नमस्कार फ्रेंड्स, आइए जल्दी से बनाते हैं नाश्ता। पोहे का एक और नया वेरिएशन आज हम बनाएंगे, हरा पोहा ब्रोकली और पुदीने का। तो आइए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए हमारे को। हमें चाहिए पड़ेगा पोहा जो कि हमने भिगो के रखा हुआ है यहाँ पे। हमें चाहिए पड़ेंगे हरे मटर। हम पुदीने और ब्रोकली को फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लेंगे। तो पुदीना और ब्रोकली हमारे पास यहाँ ग्राइंडर में है, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और पोहा बनाने के लिए लग तेल और नमक स्वाद अनुसार। तो आइए सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करते हैं मिक्सर में। पैन हमारा गर्म हो चुका है। तेल डालते हैं पैन में फटाफट से। तेल डाला, तेल हल्का सा गरम होने दीजिए। जब तेल गरम होने लगे अच्छे से, तो फिर हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई जब क्रैकल होने लगे, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मटर। और जब मटर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून मटर के साथ हम चाट मसाला डालेंगे। उसको अच्छे से मटर को फ्राई होने देंगे। क्योंकि हम हरा पोहा बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे इस बार। आप मटर को अच्छे से फ्राई कर लें, और मटर फ्राई करते टाइम ही आप इसमें जो हमने हमारे गोभी और पुदीना मिक्स किया हुआ है, इसको हम इसमें हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से, और हल्का सा टेस्ट के हिसाब से आप शक्कर डालेंगे, और थोड़ी सी आप चाहें तो सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, और इसको फिर हम ऊपर नीचे हाथ से अच्छे मिला के हल्दी को इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। हल्दी बहुत कम डालनी है, और इसको हल्दी को हम मिला देंगे हमारे हरे मिर्ची में। बहुत ही फटाफट से बन जाएगा ये पोहा आपका, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें बनने में। और नमक डालेंगे हमने स्वाद के अनुसार, और इसको जल्दी से लेके इस हरे पोहे को लेकर इसको मिक्स कर देंगे। पोहे में हल्का सा पीलापन भी रहेगा, लेकिन मेनली आपको हरा ही दिखेगा। अच्छे से थोड़ा सा हो जाने दीजिए, हल्का सा ढक्कन लगा के थोड़ी देर को अपनी स्टीम में हो जाने दीजिए, ताकि ये पोहा बन के तैयार हो जाए खाने के लिए। तो आते हैं इसको 5 मिनट बाद हम इसको सर्व करते हैं।